हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम गुरविंदर कौर, योर जर्नल साइंस फैकल्टी। और आज हम करते हैं हमारा बायोलॉजी का थर्ड सेशन, मतलब थर्ड सेट है हमारा प्रैक्टिस का। इसमें हम मेनली टारगेट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है? ओके, तो इससे पहले हमने दो वीडियोस कर चुके हैं, दो लेक्चर्स कर चुके हैं। किसके ऊपर? बायोलॉजी के ऊपर। एंड आई होप कि आपने अच्छे से उनको देखा होगा, ठीक है? और मैंने आप सबके कमेंट्स भी पढ़े, ठीक है? आप सबने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी किए, ठीक है, क्वेश्चंस के। तो इट्स अ वेरी गुड, ठीक है? आप बस इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए और मोटिवेट भी रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का, तो और हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो प्लीज रीड फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन अटेम्प्ट इट। सभी स्टूडेंट्स आंसर करोगे? स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो अपने मन ही मन में आंसर कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, ठीक है? होता क्या है कि जब आप साथ के साथ टाइप करते हो ना, तो क्या होता है कि जब अब आप एक बार अगर आपने आंसर कर दिया तो आपका आंसर लॉक हो जाता है एक तरीके का, है ना? वो देखा ना आपने, वो उसके अंदर कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, ठीक है? तो एक बार अगर आपने टिक कर दिया या मतलब आपने कमेंट कर दिया, इट मीन्स आपका आंसर अब लॉक हो चुका है। उसके बाद जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर क्या होगा, आप उसको अच्छे से देखोगे कि हाँ मैम ने क्या सोच के आंसर दिया और मैंने क्या सोचा उस टाइम पे, ठीक है? अगर तो आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, मतलब आपकी बायोलॉजी काफी अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? ओके ओके, अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा आप साइड में हो जाती हूँ स्क्रीन के, और आप क्या करो, इसको 2 सेकंड का पोज लेकर आंसर दीजिए, ठीक है? तो आंसर करते हैं क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? वो बोल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या होगा आंसर? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों होगा अभी देखते हैं। लेट्स सी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और फिर क्या होता है हमारी फूड पाइप से होते हुए, मतलब ईसोफेगस से होते हुए फूड कहां पे पहुंचता है, हमारे स्टमक तक पहुंचता है, राइट? और स्टमक से फूड कहां पे जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है? स्टमक से हमारा फूड जो है वो मूव करेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर, ठीक है? तो बहुत ही क्या होती है, लार्ज सेगमेंट होता है हमारा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। वाई, क्यों ज्यादा मतलब वो होती है, उसकी लेंथ होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फूड की दो वजह है। पहला रीजन, फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सेकंड थिंग, यहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन, जो फूड है वो फाइनली एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फूड का मेन काम ही है, आप फूड खा क्यों रहे हो, कंज्यूम क्यों कर रहे हो, है ना? फॉर द एनर्जी, है ना? अल्टीमेट पर्पज क्या, फूड से एनर्जी जनरेट करना, ठीक है? और एनर्जी कैसे मिलेगी हमारी बॉडी की, हर एक सेल को एनर्जी मिलेगी उस फूड की एब्जॉर्प्शन से, ठीक है? तो फूड जितना एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होगा हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है, इट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी सेल्स तक एनर्जी पहुंचेगी एफिशिएंटली वे में, ठीक है? अगर फूड की एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी नहीं तो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब हमारा जो फूड है वो वेस्ट के रूप में ज्यादा चला जाएगा, मतलब जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में से सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, और अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ होती है 7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज अटेम्प्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन। पॉज लीजिए वीडियो के अंदर एंड देन आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन क्या है समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखो हमारे फूड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे कार्ब्स खाते हैं हम फूड के अंदर। प्रोटीन होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है हमारी, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं हम, फैट खाते हैं। ठीक है, लिपिड्स होते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है हमारे फूड के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर से प्रोटीन की डाइजेशन कौन करवाता है, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की फूड जो है वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको क्या कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ रहा है, सो दैट वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। ऐसे एज इट इज फूड जैसे हम खाते हैं वैसा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है ब्लड के अंदर, क्योंकि उसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, इतना सिंपल होना पड़ेगा उस फूड को ब्रेक हो होकर कि वो आराम से हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाए, ब्लड वेसल्स के अंदर जो बहुत छोटी हैं उनमें उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाए अच्छे से। ठीक है, समझ रहे हो आप। ठीक, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम बनता है दैट इज पेप्सिन, दैट इज पेप्सिन। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या देखो, जैसे देखो हमारा जो स्टमक है, मैं यहाँ पे स्टमक से शुरू करती हूँ, जो हमारा स्टमक है तो स्टमक के अंदर हमारे क्या होता है, जब फूड चला जाता है मतलब फूड के बॉलस जब चले जाते हैं तो जो हमारा वॉल है किसकी, स्टमक की, वो रिलीज करती है क्या, गैस्ट्रिक जूसेस। क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर तीन चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं बट यहाँ पे हम दो ही देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल HCl। ठीक है, HCl सबसे पहले पढ़ते हैं। HCl जो है इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब इतना सारा एसिड क्यों रिलीज हो रहा है, इसके दो मेन फंक्शन है। सबसे पहले तो क्या, अगर कोई बाय मिस्टेक हमारी बॉडी के अंदर क्या चला जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए वाया फूड, जैसे कि आपने बाहर से कुछ ऐसे चाट कोड़ी टाइप खा लिया जो काफी अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, अगर उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन चला गया, कोई माइक्रोब चला गया, तो क्या होता है, जो हमारा HCl है, जो हमारा स्टमक है जो प्रोड्यूस कर रहा है इतना सारा HCl, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी जो हमारा फूड है उसको वो एसिडिक बना देते हैं। और कोई भी एसिडिक कंडीशन के अंदर कोई भी माइक्रोब क्या नहीं कर पाता, जिंदा नहीं रह पाता। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है वहां पे, वो इनएक्टिवेट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, HCl की फॉर्म में। एक तो ये काम हो गया कि वो माइक्रोब्स को क्या करता है, किल करता है। ठीक है, सेकेंड काम होता है कि वो एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को, एक्टिवेट द एंजाइम्स। आप चाहो तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो और साथ के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, जिसमें से एक एंजाइम होता है दैट वी कॉल्ड पेप्सिनोजन। नाम याद रखना, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है। ठीक है, पेप्सिन का मेन काम है क्या, प्रोटीन को ब्रेक कर, प्रोटीन का क्या करना, ब्रेक डाउन करवाना। ठीक है, किसका, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, क्लियर है, नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकंड का क्या ऑप्शन होगा, करेक्ट, दैट इज पेप्सिन। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पॉज लीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, द मेन हार्मोन इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शुगर मेटाबॉलिज्म। कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द ए आंसर, दैट इज पेनक्रिया। देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रिया ऑर्गन है वो क्या करता है, देखिए उसका मेन फंक्शन क्या, दिस इज अवर स्टमक। ठीक है, ये हमारा स्टमक है और यहाँ पे लाई करता है हमारा पेनक्रिया। ठीक है, से लीव टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर का।
जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या बनाते हैं, इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं, इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं। और जो इंसुलिन हार्मोन है स्टूडेंट, उसका मेन काम होता है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल को कंट्रोल में करना। देखिए शुगर का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, ग्लूकोज इन द सेंस कि हमारा फूड, जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर जब फूड पहुंच जाता है, इट मीन्स शुगर, ठीक है, शुगर पहुंच जाती है, उसके बाद वो जितना भी हमारा फूड है शुगर की फॉर्म में, वो जाता है हमारी बॉडी की हर एक सेल पे। जितनी भी हमारे मतलब 50 ट्रिलियन से भी ज्यादा ह्यूमन के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती है, हर एक सेल के पास वो फूड जो है वो पहुंचता है किसके थ्रू, बाया ब्लड के थ्रू, ठीक है। ब्लड क्या है, एक हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन, मतलब मेन एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, इधर से उधर हर चीज को, वाइटामिन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एवरीथिंग, ठीक है। सो ब्लड का क्या काम है, शुगर को हर एक सेल तक पहुंचाना। अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया तो वो ब्लड शुगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और जो एक्सेस अमाउंट में जो शुगर बन रही है कंटिन्यू, जो वहां से एब्जॉर्ब हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या होगी, वो रिमेनिंग रहेगी किसके अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही है सेल्स तक, राइट। सो दैट्स वाई शुगर जब बढ़ेगी, और कोई भी चीज एक्सेसिव अमाउंट में अगर बॉडी के अंदर बढ़ रही है, अगर एक्सेस अमाउंट में कोई चीज जमा हो रही है, ठीक है, एड ऑन हो रही है, चाहे फिर वो फैट ही क्यों नहीं है, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी बॉडी को करेगा वो डैमेज, ठीक है। सो दैट्स वाई वो हमारे को डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज कब होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ठीक है। ओके ओके, ओके। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर था ए, दैट इज पेंक्रियास, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मेजोरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन व्हाट, किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है हमारा अनडाइजेस्टिबल फूड का, जितना भी हमारा मेजोरिटी ऑफ वाटर है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, जो भी वाटर है मेजोरिटी ऑफ द वाटर जिसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, कौन से ऑर्गन में होती है, ये आप मुझे बताइए। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। देखो मेजोरिटी ऑफ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के, कैसे होती है अभी देखते हैं। दिस इज अवर स्टमक, स्टमक से स्टार्ट करते हैं, दिस इज अवर स्टमक, ठीक है। स्टमक से क्या होता है, फूड जो है वो हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं पूरा नहीं लिखूंगी यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ये क्या हो जाती है, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ से ये जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये मतलब वॉल के लिए पीछे से आ रही है हमारे यहाँ पे, दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे फूड की होगी एब्जॉर्प्शन किसके अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो मूव करेगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। बट उससे पहले देखिए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी फूड है उसके अंदर देखिए आप कितनी सारी चीजें क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, लीवर से बहुत सारा बाइल आ चुका है, ठीक है, इधर से क्या है पेनक्रिया से बहुत सारे पेनक्रियाटिक जूसेस मिक्स हो चुके हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारा लिक्विड इंटेस्टाइन जूसेस का मिक्स हो चुका है किसके अंदर, फूड के अंदर। क्यों मिक्स हो चुके हैं, फॉर द डाइजेशन, फूड की अच्छे से डाइजेशन करने में, मतलब कि उसको अच्छे से तोड़ने फोड़ने में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी इट मींस बहुत सारा लिक्विड, मतलब कि बहुत सारा उसके अंदर क्या है, पानी है फूड के अंदर, ठीक है।
और अभी एज इट इज क्या होगा, अभी जो जो एक्सेस अमाउंट में जो हमारा वाटर है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो कुछ बच जाएंगे जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी, ठीक है, तो वो आ जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, वो क्या करेगी, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से जितना भी एक्सेसिव वाटर होगा, जितना भी थोड़ा बहुत अगर कोई मिनरल बच गया है या फिर वाइटामिन है उसके अंदर, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर पहुंचा देगी। मतलब हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट तरीके से काम करती है कि जितना भी हम फूड खाते हैं उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वेस्ट बाहर कर दे, ठीक है, वो मतलब वेस्ट के अंदर से भी बहुत सारी चीजें, जो भी इसेंशियल थोड़ा बहुत बच गया उसको भी वो एब्जॉर्ब करवा लेती है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सॉलिडिफाई अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीसिस के रूप में रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है, और वहां से वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या हुआ यहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद जितना भी हमारा लिक्विड प्लस अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे मेजोरिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, और अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड क्या हो गया, मूव करता करता हमारे रेक्टम तक पहुंच गया और वहां से एनस के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट हो गया, ठीक है। ओके ओके, सो मूव टू अवर स्लाइड, तो आंसर क्या होगा इसका, लार्ज इंटेस्टाइन। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्लीज रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर इट। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर, कहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होती है, आपको वो ऑर्गन का नाम बताना है। देखो, फूड जो है वो फूड पाइप से कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्ट, हमारे स्टमक के अंदर, सॉरी, स्टमक से वो कहाँ पे जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। यहाँ पे जो बात नोट करने वाली बात है वो ये है कि स्टमक के अंदर फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है, कभी भी अगर ऐसी स्टेटमेंट आए कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है हमारे फूड की इन अवर स्टमक, नहीं, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जो कंप्लीट डाइजेशन है ना, वो कंप्लीट होती है हमारी इंटेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है ना, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ना कि हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर मेनली दो काम होते हैं, पहला तो मैकेनिकल चर्निंग होती है बहुत सारी फूड की, जैसे कि सबसे पहले तो हमने फूड को तोड़ा हमारे टीथ से, उसके बाद हमारी फूड का जाएगा हमारे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर भी क्या होगा, जो स्टमक की मसल्स है ना वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, और क्या करेंगी, फूड के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, और क्या करेंगी, फूड को अच्छे से क्या करेंगी, तोड़ेंगी, ब्रेक करेंगी, और उसका एक लिक्विड जूस बना लेंगे। फिर उस पार्शियल डाइजेस्टिव फूड को कहाँ पे भेजेगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजेगी फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, विद बाइल जूस प्लस पेनक्रियाटिक जूस को मिक्स करके, ठीक है। तो इट मींस हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द जो डाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, स्टमक के अंदर होता है हमारी पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन होती है हमारी स्टमक के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ओके, तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, हाँ जी, डन है, तो ओके, वेयर इज द बाइल जूस फॉर्म्ड इन अवर बॉडी, वो बोल रहा है कि बाइल जूस बनता कहाँ पे, तो बाइल जूस कहाँ पे बनता है, हमारे लीवर के। देख यहाँ पे एक चीज समझो आप, बाइल जूस, दिस इज अवर स्टमक, स्टमक का स्ट्रक्चर तो हम इतनी बार बना लेंगे, ठीक है, और दिस इज अवर लीवर,
ठीक है, ये होता है हमारा लीवर, ठीक है। अभी अच्छे से थोड़ा बना नहीं है, कोई बात नहीं, डायग्राम दोबारा बनाते हैं। डायग्राम में ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छा सा डायग्राम बनना चाहिए। दिस इज अवर स्टमक, जे शेप का हमारा स्टमक होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक डक्ट होती है जो किसके साथ जुड़ी होती है, हमारे लीवर के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। दिस इज अवर लीवर, और लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारा, लीवर के अंदर प्रोडक्शन होती है किसकी, बाइल की, ठीक है। बाइल जूस की प्रोडक्शन होती है लीवर के अंदर, जो एक्सेस अमाउंट में जो हमारा बाइल होता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर एक अलग से ऑर्गन होता है जिसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में जो क्या बनता है हमारा बाइल बनता है ना, वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। मेन बाइल बाइल जो बाइल गॉल ब्लैडर है ना, उसका मेन काम ये होता है कि बस बाइल की स्टोरेज करना, और उसका कोई काम नहीं है। अभी फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, बाइल हमारा लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। और बाइल का मेन फंक्शन क्या है, बाइल का मेन फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, टर्म है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि जैसे फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो काफी बड़े बड़े साइज के होते हैं, हम फैट जिस तो उस ग्लोब्यूल्स को जो हमारा बाइल जूस है ना, उसको वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, सो दैट आगे फर्दर जब वो किसमें जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, तो उस पर अच्छे से वर्क कर सके हमारे एंजाइम्स, और उसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके सिंपल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना है कि बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम, वो ब्रेक, वो डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, वो जस्ट क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है फैट की, मतलब फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, छोटे छोटों में तोड़ रहा है, उसके डाइजेशन नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक अदर एंजाइम्स, जैसे कि बाकी एंजाइम, जैसे कि लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को तोड़ेगा, ठीक है, जो पैनक्रिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बाद में समझते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, मल्सिफाई कर रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी ब्रेकडाउन करवा रहा है जस्ट बाइल, ठीक है। बाइल इज अ सॉल्ट, ठीक है। बाइल का एक काम और भी होता है कि वो HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेजोरिटी ऑफ द कहाँ पे होगी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, जूसेस काम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सी आंसर, दैट इज लीवर। लीवर के अंदर प्रोडक्शन होती है किसकी, बाइल की। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि स्टोर कहाँ पे हो रहा है, तब इसका आंसर होगा गॉल ब्लैडर, देन इसका आंसर क्या होगा, गॉल ब्लैडर, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। ओके, इसे मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। द रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए द रेनिन एंजाइम। अभी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेनिन एंजाइम होता है, तो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है इन्फेंट्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, बहुत छोटे बच्चों के अंदर जो मदर फीड लेते हैं, ठीक है। तो मदर फीड जो लेते हैं, मतलब जो मिल्क, मिल्क पे डिपेंड होते हैं छोटे बच्चे जब, ठीक है, तब उनके अंदर मिल्क की डाइजेशन के लिए, मिल्क की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होता है इन्फेंट्स के अंदर, रेनिन एंजाइम। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रेनिन एंजाइम का जो रिप्लेस कर लेता है रेनिन एंजाइम को कौन, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम ज्यादा बनना शुरू हो जाता है कंपेयर टू रेनिन एंजाइम, ठीक है। तो रेनिन एंजाइम बनेगा कहाँ से, सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा जो फूड है, सबसे पहले कहाँ पे जा रहे हैं, स्टमक के अंदर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेनिन एंजाइम कहाँ पे बनेगा हमारा, स्टमक के अंदर बनेगा, जहां पे वो क्या करेगा, मिल्क को इसमें कन्वर्ट करेगा, मिल्क को कन्वर्ट करेगा आगे फर्दर, ठीक है, लैक्टिक, लैक्टिक उसके अंदर, लैक्टिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कीजिए।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल के अंदर क्या बनता है और क्या स्टोर होता है? तो आंसर कीजिए स्टूडेंट, क्या स्टोर होता है भाई लीवर के अंदर? तो लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन। अभी क्या है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़ जुड़ कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज बनता है, मतलब जो सेल्स में यूज नहीं किया हो रहा, ठीक है, तो उसको लीवर क्या कर लेता है? स्टोर करके रख लेता है फॉर द फ्यूचर। जैसे आप पैसा है, अब मनी रोज अर्न करते हो, लेकिन आप बहुत सारा पैसा क्या करके रख लेते हो? स्टोर करके रख लेते हो फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कि फ्यूचर में अगर पैसा कमाना बंद कर दे तो हम उस पैसे को निकाल के क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, अपनी नीड्स को पूरा कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी फॉलो करती है। तो बॉडी क्या करती है, बहुत सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर बॉडी के अंदर बन रहा है जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो स्टोर करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्लाइवा इन डाइजेशन? डाइजेशन में स्लाइवा का क्या काम है, आप बस वो बताइए। बताइए डाइजेशन में स्लाइवा का क्या काम है? तो देखिए क्या है काम है, मेनली स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करना। जो स्लाइवा स्लाइवा होता है ना, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल्ड अमाइलेज, दैट वी कॉल्ड अमाइलेज, या फिर उसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, माउथ के अंदर ही स्टार्च की क्या करना स्टार्ट कर देता है, डाइजेशन करना स्टार्ट करता है, बट वो पार्शियल डाइजेस्ट करता है, उसको कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, कंप्लीट हमारे स्टमक के अंदर ही जाके होगी। ठीक है, तो स्टार्च के काफी सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज के बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? स्टार्च के अंदर। तो स्टार्च के अंदर एक हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल्ड अमाइलेज। तो वो अमाइलेज को क्या करेगा, अमाइलेज जो होगा वो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना शुरू कर देगा, ब्रेक करना शुरू कर देगा। इट मीन्स स्टार्च की डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही शुरू हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी क्लैरिफाई होता है कि अगर मान लो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ पे शुरू होती है हमारे, ठीक है, कहाँ पे शुरू हो जाती है, वो हमारे माउथ के अंदर ही शुरू हो जाती है। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन की डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट होती है, देन दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, इट्स ओनली फॉर स्टार्च, जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू amylase enzyme that is present in our saliva. Okay, so answer is starch. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 10 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इनजेस्टिंग फूड इज नोन एज व्हाट? ठीक है, इनजेस्टिंग टर्म जिसको पता है वो क्वेश्चन ये सही कर देगा। तो आंसर होगा इसका सी, इनजेशन। तो यहाँ पे आप कुछ टर्म समझिए स्टूडेंट्स, टर्म्स को समझिए, जैसे कि पहली टर्म होती है इनजेशन, सेकेंड टर्म होती है डाइजेशन, थर्ड टर्म होती है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ टर्म होती है इजेशन। ठीक है, ये डाइजेशन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की टर्म्स है। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को इनटेक, इनटेक ऑफ फूड, मतलब जब आप फूड को अंदर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, देन क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। देन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, किसकी? फूड की, इन द ब्लड वेसल्स। देन हमारी इजेशन मतलब कि हमारा जितना भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, अनडाइजेस्टेड जितना भी वेस्ट होता है वो बॉडी से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो इन टर्म्स को स्टूडेंट्स आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए और इनका मतलब भी आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं रिपीट करती हूँ, इंजेशन का मतलब होता है कि जब इनटेक ऑफ फूड, फूड को आप जब लेते हो उसे आप इंजेशन बोलते हो। डाइजेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर स्टार्ट, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड इजेशन मतलब कि अनडिस्टर्ब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, फ्लश हो जाता है उसका। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इनटू व्हाट? वो बोल रहा है कि प्रोटीन जो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है आफ्टर द डाइजेशन, तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो अमाइनो एसिड्स के अंदर।
जो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज अमाइनो एसिड। ठीक है, हमारे प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के यूनिट आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स। तो अभी आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जिसका आप रिप्लाई करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आंसर। ठीक है, जो आप आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 12, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स, पॉज लीजिए वीडियो पे और अटेम्प्ट कीजिए। देखिए सुन, अगर आपने अभी भी मोर और लेस सिलेबस कंप्लीट नहीं भी किया है ना बायोलॉजी का या फिर जर्नल साइंस का, तब भी आप इन एमसीक्यूज को लगाइए, तब भी आप कंसिस्टेंटली इन एमसीक्यूज को ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। वाई, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स तो आपके यहीं पे कवर हो जाए, है ना, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपके यहीं पे कवर हो गए, और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत होगा नहीं, है ना। तो बेटर है कि आप बहुत सारा टाइम अगर आप डिवोट करोगे पढ़ने में, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में अगर आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो स्टूडेंट्स एग्जाम बिल्कुल सर पे है ना। आई थिंक सो कि लेस देन 25 डेज बचे हैं किसके अंदर, एग्जाम के लिए। ठीक है, सो प्लीज आप जो है अभी फिलहाल अपना कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू टॉपिक मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस के ऊपर, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाए। ठीक है, तो आपके एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। अगर आपका सिलेबस थोड़ा रह भी गया तो भी कोई बात नहीं, आपके प्रैक्टिस सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर सिलेबस पूरा हो चुका है देन इट इज वेरी वेल गुड, वेल एंड मतलब वेल एंड गुड है। ठीक है, कि बहुत अच्छा है कि भाई सिलेबस हो चुका है, फिर तो आपको रिविजन ही करनी है। ठीक है, सो प्लीज आप कंसिस्टेंट रहो किसके लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करते हैं 12, विच पैनक्रियाटिक सेल्स आर सिक्रेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन। कौन सी सेल्स हैं जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बीटा सेल्स। जो हमारा पेनक्रिया है ना उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है बीटा सेल्स, उन्हीं का मेन काम होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन करना, इंसुलिन की प्रोडक्शन करना। ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर क्या नेम है उन सेल्स का, बीटा सेल्स। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। मेजर कंपोनेंट कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, तो अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, मेजर फूड कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मिनरल्स नहीं, मिनरल्स नहीं है। ऑब्वियसली आपके फूड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है। ठीक है, बट मिनरल्स जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए 14। हाँ जी, तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन पोजेसेस परमानेंट फोल्ड्स अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड व्हाट। परमानेंट जो फोल्ड है हमारी स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम विलाई। अभी विलाई क्या है इसको समझो, देखो दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वहां पे कुछ इस तरीके के ना फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जब फूड जो है जब वो मूव करता है इनके थ्रू तो क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, तो देख यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा फूड जो होगा वो एफिशिएंटली क्या हो पाएगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा, उतना ज्यादा मैक्सिमम फूड की एब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्किन है ना वो इस तरीके से फोल्ड हो रखी है, किसके अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम विल्लाई बोल रहे हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाना किसकी, फूड की, इन विल्लाई स्ट्रक्चर के ऊपर। समझ आया,
अगर मान लो मैं इस फोल्ड को खोल दूं तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा, एक स्किन का फोल्ड हो जाएगा जिसके ऊपर हमारी फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही है। बट अगर ये लंबा हो जाता तो ऑब्वियसली हमारा सेगमेंट का लेंथ भी बढ़ जाती स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो उसको कम करने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, स्किन ही एक टाइप की, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है किसकी, फूड की, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है किसकी, फूड के अंदर, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स बहुत सारे, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से फूड जो है वो एंटर कर जाता है कहाँ पे, इस इन विलाई के थ्रू एंटर कर जाता है हमारे ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है फूड के, फूड की किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ विलाई स्ट्रक्चर, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिनका मेन काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फूड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, क्लियर? ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन बिगन्स इन व्हाट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे आप, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फॉर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के लिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। सेकंड आप 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, किसमें, कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ये मैंने आप तक छोड़ दिया, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा पता चले कि हाँ मेरे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए इस क्लास को लगाने के बाद, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाइए थोड़ा सा समझिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एंड आई होप कि आप सब आंसर करेक्ट करोगे, ठीक है, दोनों ही मेरे क्वेश्चन के आंसर आप करेक्ट दोगे, किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। सो ओके, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को भी, और आप मोटिवेट रहिए इस एग्ज़ाम के लिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, और अपनी जो मेहनत है, ठीक है, उसको आप बना के रखिए कंटिन्यू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे करते हैं लेक्चर को ओवर। थैंक यू सो मच।